ग्रे कोट्स। सबसे पहले ग्रे कोट की डेफिनेशन। ग्रे कोट्स बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ कोट्स कॉल्ड मिनिमम चेंज कोट्स इन विच ओनली वन बिट इन कोट ग्रुप चेंजेस व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप। ग्रे कोट बिलोंग करता है मिनिमम चेंज कोट्स की एक क्लास से, जिसके अंदर केवल एक बिट जो होती है कोड की वही चेंज होती है जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में मूव ऑन करते हैं। तो मतलब हर स्टेप में एक बिट चेंज होती है हमारे कोड की। इसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है और ये एरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए सूटेबल नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे परफॉर्म किया जाता है एक बाइनरी नंबर से ग्रे कोड बनाने के लिए। इसके तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट बिट ऑफ ग्रे कोड इज सेम एज फर्स्ट बिट ऑफ बाइनरी नंबर। जो फर्स्ट बिट होती है यानी कि सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होती है हमारे ग्रे कोड की, वो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ बाइनरी नंबर यानी कि फर्स्ट बिट ऑफ बाइनरी नंबर के बिल्कुल सेम होती है। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमें ये बाइनरी नंबर दे रखा है 010110, इसको हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट यानी कि ये यानी कि सबसे पहली बिट जो फर्स्ट बिट होती है हमारे कोड की वो बिल्कुल सेम होगी ग्रे कोड में भी। तो ये हमारा बाइनरी में है, अब हम यहाँ पर इसका ग्रे कोड लिख रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा फर्स्ट स्टेप में पहली बिट सेम होती है, तो यहाँ पर हमने ये सेम लिख दी वन। देन नेक्स्ट स्टेप, सेकंड बिट ऑफ ग्रे कोड इक्वल्स टू एक्सोर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बिट ऑफ बाइनरी नंबर, दैट इज इट विल बी वन इफ बाइनरी बिट्स आर डिफरेंट एंड ज़ीरो इफ दे आर सेम। मतलब क्या है कि जो सेकंड बिट हमें लिखनी होगी ग्रे कोड की वो क्या होगी, हमारा जो बाइनरी नंबर है उसकी पहली और उसकी दूसरी डिजिट का एक्सोर होगी। एक्सोर का रिजल्ट क्या होता है, वन होता है अगर दोनों डिजिट्स डिफरेंट होती है तो, और दोनों डिजिट अगर सेम होती है तो एक्सोर का रिजल्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड बिट का जब एक्सोर करेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है तो इसका एक्सोर का रिजल्ट क्या आएगा, वन, तो वो हमारे सेकंड बिट हो जाएगी ग्रे कोड की। देन थर्ड स्टेप, थर्ड ग्रे कोड बिट इक्वल्स टू एक्सोर ऑफ सेकंड एंड थर्ड बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर एंड सो ऑन। अब जो थर्ड बिट होगी हमारे ग्रे कोड की यानी कि ये वाली बिट, अब ये थर्ड बिट क्या होगी, सेकंड और थर्ड बिट ऑफ दी बाइनरी नंबर का एक्सोर होगी यानी कि इसका और इसका, तो ये भी डिफरेंट है तो एक्सोर का रिजल्ट वन होगा। तो ये वन जो है ये थर्ड बिट हो जाएगी हमारी ग्रे कोड की, और सो ऑन सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, फोर्थ बिट क्या होगी ग्रे कोड की, अब इसका यानी कि थर्ड और फोर्थ बिट ऑफ दी बाइनरी का एक्सोर होगी। अब ये दोनों सेम है तो एक्सोर का रिजल्ट ज़ीरो होगा, तो फोर्थ बिट ऑफ ग्रे कोड ज़ीरो हो जाएगी। देन फिफ्थ बिट ऑफ ग्रे कोड के लिए क्या होगा, फोर्थ एंड फिफ्थ बिट ऑफ बाइनरी का एक्सोर करेंगे, ये दोनों डिफरेंट है तो रिजल्ट क्या होगा, एक्सोर का वन होगा, तो फिफ्थ बिट ग्रे कोड की वन हो जाएगी। तो इस तरीके से किया जाता है परफॉर्म कन्वर्जन बाइनरी से ग्रे कोड का। पहली डिजिट हमारे पास सेम होती है बाइनरी के जैसी होती है, ग्रे कोड में भी पहली डिजिट एज इट इज़ लिख देते हैं, और सेकंड जो बिट होती है वो फर्स्ट और सेकंड का एक्सोर होती है, फिर थर्ड बिट सेकंड और थर्ड का एक्सोर होती है, फिर फोर्थ बिट थर्ड और फोर्थ का एक्सोर होती है, और फिफ्थ बिट फोर्थ एंड फिफ्थ का एक्सोर होती है। तो इस तरीके से ग्रे कोड निकाला जाता है गिवन बाइनरी नंबर का। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ ग्रे कोड टू बाइनरी। अब वो तो क्या था, बाइनरी से ग्रे कोड बनाना था, अब ग्रे कोड से वापस हमें बाइनरी बनाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट बाइनरी बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ग्रे कोड बिट। तो इसमें भी क्या होता है, जो पहली बिट होती है बाइनरी कोड की वो
ग्रे कोड की पहली बिट जैसी ही होती है, सेम एज इट इज़ वही रख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें कन्वर्ट करना है इस ग्रे कोड को बाइनरी में, तो ये ग्रे कोड है हमारा, इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट बिट जैसा कि हमने कहा कि सेम होती है तो सेम रख दी। फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट बिट के लिए सेकंड स्टेप, इफ सेकंड ग्रे बिट इज़ ज़ीरो देन सेकंड बाइनरी बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट बाइनरी। ये बोल रहा है कि अगर सेकंड ग्रे बिट कोड ज़ीरो है, मतलब ये ग्रे बिट क्या है, सॉरी ग्रे कोड कौन सा है, ये है, तो ये कह रहा है कि ग्रे कोड की अगर सेकंड बिट ज़ीरो है तब तो क्या होगा, बाइनरी की जो बाइनरी कोड की जो सेकंड बिट होगी वो बाइनरी कोड की जो फर्स्ट बिट है उसी के जैसी होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो नहीं है, ग्रे कोड की सेकंड बिट ज़ीरो नहीं है, तो यानी कि जो बाइनरी कोड है उसकी सेकंड बिट फर्स्ट बिट की तरह नहीं होगी, तो अपोजिट होगी, तो यहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे। फिर इस सेकंड ग्रे बिट इज़ वन, सेकंड बाइनरी बिट इज़ इनवर्स ऑफ इट्स फर्स्ट बाइनरी बिट। वही जो मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर अगर ज़ीरो नहीं है, सेकंड बिट जो है ये बाइनरी ग्रे कोड की सेकंड बिट अगर ज़ीरो नहीं है तो बाइनरी की जो सेकंड बिट आएगी वो फर्स्ट बिट के अपोजिट होगी, यानी कि वन है ये तो यहाँ पर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। फिर स्टेप थ्री, स्टेप टू इज़ रिपीटेड फॉर ईच सक्सेसिव बिट। अब हर एक बिट के लिए स्टेप टू को रिपीट करा जाएगा। जैसे कि बाइनरी की थर्ड बिट है, तो बाइनरी की थर्ड बिट के लिए क्या देखेंगे हम कि जो ग्रे कोड की थर्ड बिट है वो अगर ज़ीरो होगी तो बाइनरी की थर्ड बिट सेकंड बिट की जैसी होगी, और अदरवाइज वो क्या होगी, उससे अपोजिट होगी। तो यहाँ पर ग्रे कोड में हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, तो यानी कि जो बाइनरी की थर्ड बिट है ना, यानी कि ये वाली बिट जो है ये सेकंड बिट के बिल्कुल सेम होगी, यानी कि ये ज़ीरो होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमें आगे प्रोसीड करते जाना है। तो बेसिकली ये बन क्या रहा है हमारा पूरा प्रोसेस, कि फर्स्ट बिट तो सेम लिखते हैं और सेकंड बिट जो है वो क्या होती है, सेकंड बिट ऑफ द ग्रे कोड एंड फर्स्ट बिट ऑफ द बाइनरी का एग्जॉर वो होती है सेकंड बिट ऑफ बाइनरी, एंड ऐसे ही बाइनरी की जो थर्ड बिट होगी वो किसका रिजल्ट होगी, ग्रे कोड की थर्ड एंड बाइनरी की सेकंड बिट का एग्जॉर का रिजल्ट होगी। फिर जो फोर्थ बिट होगी बाइनरी की वो ग्रे कोड की फोर्थ बिट एंड बाइनरी की थर्ड बिट का एग्जॉर का रिजल्ट होगी, और जो बाइनरी की फिफ्थ होएगी वो ग्रे कोड की फिफ्थ एंड बाइनरी की फोर्थ का एग्जॉर का रिजल्ट होगी, एंड जो बाइनरी की सिक्स्थ बिट जो है ये ग्रे कोड की सिक्स्थ बिट एंड बाइनरी की फिफ्थ बिट का एग्जॉर का रिजल्ट होगी। तो इस फॉर्मेट से हम कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं ग्रे कोड टू बाइनरी कोड में।